हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। पुप्पो की बेटी आई हुई थी काफ़ी दिनों से, तो पुप्पो को तो मैं छोड़ आया था, लेकिन उनकी बेटी जो ना इधर ही थी, तो उसको मैं आज छोड़ने जा रहा हूँ उसकी मामा के पास। तो ये है जी कहानी, सुना मैंने। चलो सुनाओ बुलबुल का बच्चे वाली। चलो सुनाओ ऊँची आवाज़ ना, ऊँची आवाज़ ना। उतामू करके सुना ना ऊंची आवाज ना, दोबारा सुना ऊंची आवाज ना, दोबारा सुना। चलो चलो दूसरी सुनाओ, दूसरी आउंदी है ना। हाँ दूसरी केड़ी है। अम्मा चाची है, चांद चपाइया रहती है, जब बच्चे चाची है आलू से ऊपर आती है, नानी अम्मा चाची है, चांद चपाइया रहती है, जब बच्चे चाहते। इसकी कहानी तो आपने सुनी लिया, तो अभी हम निकलने लगे हैं। अभी जो फिलहाल तो हम थोड़े घर आ गए हैं, तो अभी बैठे हुए हैं। अभी जी खाने का टाइम है, ये देखिए बिरयानी है, तो अभी खाना खा के तो फिर इंशाल्लाह हम घर के लिए रवाना होंगे। चावलों को देख के तो अबू ज़ार ऐसे इसको दौरे पड़ते हैं कि जैसे इसका दिल करता है कि देख भी हो और मैं खा जाऊँ। ये देखें पता नहीं कितनी प्लेटें खाता है। इस बंदे को जी तीसरी प्लेट है, और ये जिम में जा के ये कहता है कि मैंने पेट छोटा करना है। आज ये देख के चावलों के ये देख के ना ये उजाड़ा डाल देता है। जिस तरह एक भैंस को खेत में छोड़ देना तो फसल तबाह कर देती है, इस तरह ये चावलों को ऐसे करता है। ये देखें बार बार के खा रहा है, और जाके जिम पे कहेगा पर उस्ताद मैं पेट कम नहीं हो रहा, मेरा वज़न इतना ज़्यादा हो गया। बिल्कुल कोई झूठ नहीं, सारा कोई सच है। पहली कितने तीसरी प्लेट है तेन। घर के लिए रवाना हो गए हैं, गाँव से बाहर खड़े हैं। ये देखें मेरे पीछे आंटी, अभी हम घर के लिए रवाना होने लगे हैं, निकलने लगे हैं। हाल कटिंग करवाने जा रहा हूँ, तीन चार दिन से रोज़ जाता हूँ, लेकिन लेट जाता था मगरब की नमाज के बाद, तो दुकान बंद होती थी, लेकिन अभी मैं टाइम से नहीं जा रहा हूँ, तो अभी कटवा के आना, तो बाद में एक दो और काम है वो भी करना है। कटिंग भी करवा ली है, बाल भी धो लिए हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कटिंग कैसी है, सूट की है कि नहीं। मैं कटिंग करवा के आ गया, तो अभी जनरेटर जो है ना वो दे के आना था मैकेनिक को, उसका इंजन करवाना है। तो 5-6 मंथ हो गए हैं, तो उसको दुकानदार को मैं देने जा रहा हूँ, और वो मुझसे जनरेटर जो है ना वसूल कर रहा है। तो अभी मैं और जमाल भाई जो है ना जनरेटर को उसकी दुकान पर छोड़ना है। उसको मैंने कॉल किया, पहले तो कॉल की थी लेकिन दुकान उसकी बंद थी, तो अभी कॉल किया तो वो कह रहा है कि मैं दुकान पे आ गया हूँ। तो अभी मैं और जमाल भाई उसको जनरेटर ले जो है ना देने जा रहे हैं। ये है जी जनरेटर, इसकी सफाई करने वाली है। देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर जम गई हुई है, तो जितनी इस कपड़े से साफ़ हो गई उतनी कर लेंगे। बाकी दुकानदार ने इसके सारे स्पेयर पार्ट जो है ना उतारने हैं, तो खुद ही जो है ना साथ इसकी सफाई करता रहेगा। आ गए हैं और कपड़े भी सारे ख़राब कर लिए हैं। ऑयल जो है ना सारा लीक हो रहा था इंजन से,
क्योंकि बाइक पे ठीक तरह से नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको थोड़ा उल्टा करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना फिल्टर की जगह से सारा ऑयल निकल आया बाहर। रखा है लेकिन आफिसा कपड़ों का हाल, ये सारे निशान, ये देखिए ऑयल जो है ना सारा लीक हो गया था, ये शलवार भी। लीटर रख के तो आ गया था, तो एक दुकान था तो वहाँ पे चला गया था, तो अभी लेट ही आया हूँ घर, अभी खाना खाने का टाइम है और फिलहाल तो बच्चों से खेल रहे हैं, बाद में खाना खाऊँगा। की कौन है बाबा? केड़ा बाबा रे, कौन है? हाँ ये हटपट पड़ा हुआ है, खाने आए, इसमें रोटियां और ये इसे खेल रहे हैं। की है बालू, बालू है बोल दी नहीं है, बोलो बोलो बाबा बाबा। कौन ही कौन है? तला की थी, तला भाई की थी, भाई की थे जी। तो मैंने ब्लॉग ख़त्म ही तक किया, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।